हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एलिस एंड वंडरलैंड यूनिट 4 चैप्टर नंबर 7 क्लास 4 इंग्लिश। इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब के लिए आपके राइट साइड पे जो रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और भी वीडियोस आती रहें। क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी? जब एलिस स्टोरी सुन रही थी तो उसने क्या देखा? While listening to the story, Alice suddenly saw a white rabbit. क्या देखा? सफेद कलर का रैबिट देखा, खरगोश, which was going somewhere hurriedly. कि वो भागा भागा कहीं जा रहा था, जैसे वो लेट हो रहा हो कहीं जाने के लिए. Question number 2. What was different about the rabbit that Alice saw? एलिस ने जो सा रैबिट देखा था वो डिफरेंट कैसे था? क्या चीज उसमें अलग लगी कि बाकी रैबिट से? एलिस ने क्या देखा कि उस जो रैबिट में बहुत कुछ डिफरेंट था। द रैबिट दैट एलिस सॉ डिफरेंट फ्रॉम अदर रैबिट्स, क्यों था? क्योंकि उसके क्या फीचर्स थे, उसने ब्लू कोट पहन रखा था और वो बोल सकता था और उसकी पिंक आईज थी और एक बिग वॉच भी पहन रखी थी। इट हैड अ बिग वॉच, पिंक आईज, इट कुड स्पीक, बोल सकता था। इट वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, इसलिए वो बाकी रैबिट से डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द रैबिट गो? कहाँ पर गया रैबिट? द रैबिट एंटर्ड इन द डीप होल, जो उसका होल था वो उसमें घुस गया। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? कैसे गई वो वंडरलैंड? क्योंकि वो जो रैबिट था वो उसका पीछा कर रही थी और उसके कारण उसका क्या हुआ, वो होल में घुस गई और जो पत्ते थे उसके ऊपर उसका पैर स्लिप हो गया और वो वंडरलैंड में पहुंच गई। आइए इसकी इंग्लिश देखें। Alice following the strange rabbit, she had a great fall into the deep hole. She fell on a heap of dry leaves. जो पत्ते होते हैं ना पेड़ों के इकट्ठे हुए हुए, वो उस पे गिर गई और उसके कारण वो कहाँ पर पहुंच गई? And this reached the wonderland. उसके कारण वो कहाँ पहुंच गई? Wonderland. Question number 5. What strange things did Alice see? क्या strange things देखी वंडरलैंड में? उसने देखा एक छोटा सा दरवाजा है, कितने 15 इंच हाई। Alice saw a very small door about 15 inch high. She saw the strange rabbit entering the door. जो strange rabbit था वो उस डोर में घुस रहा है। एलिस ने और क्या देखा? एक ग्लास टेबल देखी जिसमें गोल्डन कीज पड़ी थी। उसने ये चीजें वहां पर देखी। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। जो एलिस ने गार्डन देखा था उसको अपने शब्दों में बयान कीजिए। तो कैसा था वो गार्डन? बहुत ही अट्रैक्टिव था और जो फ्लावर्स वहाँ पर थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले थे। और क्या क्या था वहाँ पे? फाउंटेन्स था। इसे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। देयर वर वेरी कलरफुल वेरियस कलर फ्लावर्स इन द गार्डन हुज फ्रेग्रेंस वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड द गार्डन ऑल्सो हैड अ फाउंटेन्स। में और भी आप फीचर्स लिख सकते हो और उसने क्या क्या देखा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपने टिक द करेक्ट करने हैं, ये बुक में आपकी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रैबिट हैड, उसकी कैसी आईज थी? पीछे हमने किया था पिंक आईज। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कौन हो रहा था
ऑब्वियसली एलिस को जिज्ञासा थी जानने की, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन गिरता जा रहा था? रैबिट. हु सेड ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स लेट्स इट्स गेटिंग, किसने कहा था? सोच के देखना. द गार्डन एलिस सॉ वॉज कैसा था? लवली. क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड यू हियर एट नाइट, कौन कौन सी आवाजें सुनती हैं आपको नाइट में? ज्यादातर आपको चौकीदार की सुनती है कि वो विस्लिंग करता है, और कौन सी? रात को कहते हैं ना उल्लू भी आते हैं, उल्लू की आवाजें भी सुनती हैं. तो हमने ये दो आवाजें लिखी हैं, आप और भी कोई लिख सकते हो. ड्यूरिंग नाइट स्ट्रेंज साउंड ऑफ ऑल्स कॉल, ऑल्स कॉल मीन्स उल्लू, एंड नाइट वॉचमैन विसल्स आर हर्ड. इसमें आप और भी लिख सकते हो जोन जोन सी आपको आवाजें सुनाई देती हैं रात को. अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन. इसमें आपको स्टोरी में से जो पढ़ी होगी उसमें वर्ड्स होंगे कुछ, उसके सिमिलर वर्ड्स देखने हैं. जैसे कि टू वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी चलने को क्या कहते हैं हम? हरी. टू थिंक, सोचना, उसे क्या कहते हैं? वॉन्डर. हैप्पी, डिलाइट. टू बी सीन नोवेयर, कहीं भी ना नजर आना. डिसअपेयर कहते हैं ना, डिसअपेयर हो गया. एट वंस, एकदम से, क्विकली. मूव फास्ट, तेज चलना, किसे क्या कहते हैं? स्कैपर. टू बी इंक्विजिटिव मतलब जिज्ञासुहीन, क्या होता है? क्यूरियस. ये सारी चीजें आपने नोटबुक में करनी है. तो आज हमने क्या किया, एलिस इन वंडरलैंड के क्वेश्चन आंसर्स, उसने क्या देखा था? एक रैबिट जो बहुत ही अजीब सा था. उसने बाकी रैबिट ऐसे नहीं देखे थे कभी भी, वो बोल भी सकता था, उसकी पिंक आईज थी. तो ये सारे क्वेश्चंस आपने नोटबुक में करने हैं. थैंक यू एंड